आज हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.6 से कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। ये फिगर हमें दी गई है, इसको देखकर हमने ये आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि ये इनमें से पहचानने हैं हमने। द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या होता है? जब हमें एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं और जहां कंपास रखते हैं उसको बोलते हैं हमें सेंटर। जैसे हमने यहां कंपास रखा और ऐसे हमने इसको सेंटर सर्कल को ड्रॉ किया, तो सेंटर क्या हो गया? ओ। अब पूछा थ्री रेडी, रेडी किसको बोलते हैं? रेडियस के प्लूरल को। जैसे रेडियस के बारे में पढ़ा था पीछे, रेडियस का प्लूरल ही होता है रेडी। तो इसमें हमने थ्री रेडी फाइंड आउट करनी है। रेडी क्या होता है? जब हमें कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जितना हमने कंपास को ओपन किया उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो जब भी हमें यह सर्कल ड्रॉ किया तो हमने कितना कंपास ओपन किया? इतना, ओ सी के इक्वल। तो ओ सी भी हो गई इसकी रेडियस, ओ ए भी हो गई और ओ बी भी हो गई। जो सेंटर से निकले जो लाइन सेगमेंट और सर्कल के सर्कल को एक जगह टच करे उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ओ से निकलकर सी तक गई, ये लाइन सेगमेंट भी रेडियस हो गई। ओ से लेकर ओ ए तक आई, वो भी रेडियस हो गई। और ओ से बी आई, वो भी रेडियस हो गई। तो रेडियस हो गए थ्री। कौन कौन से हैं? ओ सी, ओ ए, ओ बी। अब पूछा है ए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से होकर जाए और सर्कल को दो जगह टच करे। सेंटर से होकर ये लाइन देखो गई हुई है ए सी, सेंटर से होके गई है और सर्कल को दो जगह टच किया इसने, ए और सी। तो इसका नेम क्या है? ए सी। ओ नहीं लिखेंगे इसमें बीच में, ओनली ए सी लिखेंगे। तो डायमीटर हो गई ए सी। अब पूछा है ए चोर्ड। चोर्ड होता है ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो जगह टच करे लेकिन उसका सेंटर से होकर जाना जरूरी नहीं है। अब जैसे ईडी है, ये लाइन सेगमेंट देखनी हमने सिर्फ, ये ईडी जो लाइन सेगमेंट है सर्कल को दो जगह इसने इंटरसेक्ट किया है इसलिए ये चोर्ड है। और ए सी है जो इसने भी सेंटर सर्कल को दो जगह टच किया तो ये भी चौड़ है, लेकिन ये डायमीटर नहीं हो सकता, ये ओनली चौड़ है। और जो डायमीटर है वो एक चौड़ भी होती है। तो इसमें ओनली वन पूछा है तो हम चौड़ क्या बोलेंगे? ई डी से, ओनली ई डी लिखेंगे इसमें। अगर टू चौड़ पूछते तो ए सी भी इसमें हम लिख सकते थे। टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर में हमने टू पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो देखो ओ पॉइंट इंटीरियर में है, एक पी पॉइंट इसके इंटीरियर में है। ओ पी, कोमा लगाना जरूरी है जब ये अलग अलग होंगे। ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में पॉइंट क्यों? ये इसके एक्सटीरियर में। ए सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? किन्हीं भी टू रेडियस के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे ये ओ ए हो गया और ये ओ बी, इनके बीच का जो शेडेड पोर्शन है ये सेक्टर बोला जाता है। और इसका नेम भी ऐसे ही लिखेंगे ओ ए बी, इसमें तीनों पॉइंट हमने लिखने पड़ेंगे और कोई कोमा नहीं आएगा बीच में। ओ ए बी ये सेक्टर बोला जाता है। ए सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है कोई भी हमने इसमें एक चौड़ ड्रॉ की और चौड़ और सर्कल के बीच में जो पोर्शन बच गया जो शेडेड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ये जो है ये सेगमेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? शेडेड पोर्शन इन द सर्कल
इनक्लोज्ड बाई चॉर्ड ईडी, जो ईडी के द्वारा इनक्लोज किया गया है, बंद किया गया है, वो शेडेड पोर्शन और सर्कल के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया, अब हमें सेकंड सम देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। सेकंड सम में स्टूडेंट्स इन्होंने पूछा है ओनली टू क्वेश्चंस, इस फिगर की हमें अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको अरेंज नहीं कर पाना अभी। सेकंड का ए पार्ट हमारे से पूछा गया है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल also a chord क्या सर्कल का प्रत्येक डायमीटर एक चौर्ड भी है? बिल्कुल है, अभी मैंने बताया था आपको इसमें जो AC है ये डायमीटर भी है और इसको चौर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि चौर्ड की डेफिनेशन क्या है कि वो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, तो जो AC है इसमें दो जगह इसको इंटरसेक्ट किया है इसलिए इसकी चौर्ड भी है और डायमीटर भी है। ऐसे ही और भी कोई डायमीटर लोगे तो वो सेंटर से होकर जाएगा लेकिन सर्कल को दो जगह टच करेगा इसलिए वो भी इसकी चौर्ड होगी। तो इसका आंसर हो गया यस। एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए चॉर्ड, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए चॉर्ड। हाँ, प्रत्येक सर्कल का प्रत्येक डायमीटर एक चौर्ड भी होता है। अब इसका बी पार्ट, इज एवरी चौर्ड ऑफ ए सर्कल, इज एवरी चौर्ड ऑफ ए सर्कल आल्सो ए डायमीटर। क्या सर्कल की प्रत्येक चौड़ एक डायमीटर भी है? नहीं है, क्योंकि इसमें जो ईडी है ये चौड़ तो है लेकिन डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर होने के लिए सेंटर से होकर जाना जरूरी है लाइन का, तो इसलिए ये नहीं है। तो इसका आंसर हो गया नो, एवरी चौड़ ऑफ ए सर्कल इज नॉट आल्सो ए डायमीटर, नहीं सर्कल की जो प्रत्येक चौड़ है वो एक डायमीटर भी नहीं है। तो ये आपका सेकंड सम हो गया। अब देखते हैं थर्ड सम में क्या पूछा है। थर्ड सम स्टूडेंट्स, ड्रॉ एनी सर्कल
एंड मार्क, ए पार्ट इट्स सेंटर, बी पार्ट ए रेडियस, सी पार्ट ए डायमीटर, डी ए सेक्टर, ई ए सेगमेंट, एफ ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, जी ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एच एन आर्क, तो स्टूडेंट्स ये हमने ड्रॉ करना है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें ये पॉइंट्स हमने शो करने हैं, मार्क करने, दिखाने हैं। तो सबसे पहले ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, कंपास खोलोगे कितना भी, कंपास ओपन किया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद पहला काम क्या होगा, उसका सेंटर हमने शो करना है। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ओनली सर्कल छोड़ के। कितना भी कंपास ओपन करके हमने एक सर्कल ड्रॉ करना, कितना भी खोल लेना कंपास को, यहां रखा और एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। यहां हमने कंपास रखा। अब इन्होंने पूछा है इट्स सेंटर, इसका सेंटर शो करो, मार्क करो। तो यहां हमने कंपास रखा था तो ये इसका सेंटर हो गया। इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी ओ कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम ए दे दिया। तो इसका सेंटर क्या हो गया बच्चों, ए। ए रेडियस, रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से चलेगा और सर्कल को एक जगह टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, जैसे मैंने ये कर दिया। इसका नाम दे दिया मैंने यहां बी। तो जो ए बी लाइन है इसमें, ये इसका रेडियस है। ए डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होकर जाएगा और सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो मैंने ऐसे कर दिया। स्केल और पेंसिल का यूज करना है आपको। ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया क्या, डायमीटर सी डी। ए सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, किन्हीं भी टू रेडियस के बीच का जो सेडेड पोर्शन होता है उसको हमें सेक्टर बोलते हैं। तो देखो ये रेडियस है ए बी और ए डी भी रेडियस है। रेडियस और ड्रॉ करना चाहो और भी ड्रॉ कर सकते हो, हमारी मर्जी है। जैसे एक रेडियस और ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये जो पोर्शन हो गया ये भी सेक्टर है, ये जो पोर्शन हो गया ये भी सेक्टर है, हमारी मर्जी है, कोई सा भी हमें सेडेड कर देंगे। इसको पेंसिल से या कलर से आप शेड कर सकते हो। तो सेक्टर का नेम क्या हो गया, ए ई बी, इसको हम बोलेंगे सेक्टर, ए ई बी। अब पूछा है ए सेगमेंट, सेगमेंट क्या होती है, एक चौड़ होती है और उसके अंदर का जो शेडेड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं
सेगमेंट, इसका कोई भी हम नाम रख देंगे, ई तक हो गए थे एफ जी और ये शेड कर दिया। तो अब इसमें सेगमेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, शेडेड पोर्शन इन द सर्कल इनक्लोज्ड बाय चौड एफ जी, जो एफ जी चौड़ द्वारा इनक्लोज है वो शेडेड पोर्शन क्या कहलाएगा, ए सेगमेंट। अब आ गए हम ए पार्ट में, ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इसके इंटीरियर में एक पॉइंट शो करना है, तो जो ए पॉइंट है ये इसके इंटीरियर में है। अगर और पूछा होता तो इससे अलग हम कोई और भी लगा देते, नहीं तो सेंटर इसके इंटीरियर में होता है। ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, इसके एक्सटीरियर में कोई भी पॉइंट कहीं भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहां लगा दिया, इसका नाम रख दिया एच। तो जो पॉइंट एच है ये क्या हो गया, इसका एक्सटीरियर पॉइंट। एन आर्क, आर्क बोल दो या चौड़ बोल दो एक ही बात होती है, आर्क या चौड़ एक ही बात है। तो इसमें आर्क देखो, जो एफ जी है ये इसमें आर्क है, आर्क बोलो या चौड़ बोलो, तो इसमें हमने ये लिख सकते हैं एफ जी। तो स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड सम में कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं फोर्थ सम में। इसमें फिगर आपने ड्रॉ करनी है, पेंसिल और कंपास का यूज करना है और स्केल का यूज करना है, जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है उसके लिए। Say true or false. हमने बताना है ये true है या false है। Two diameters of a circle will necessary necessarily intersect डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। तो सर्कल के दो डायमीटर अवश्य ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि दोनों ही डायमीटर को सर्कल से होकर जाना है, सेंटर से होकर जाना होता है। जैसे ये सर्कल है, इसका अगर हम डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो ये डायमीटर हो गया, इसका नेम हम कुछ भी रख देंगे। अब अगर एक डायमीटर और हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे भी कर सकते हैं, ये हमने ड्रॉ किया तो ये यहां इससे इंटरसेक्ट हुआ, तो ये ट्रू है, अवश्य ही इंटरसेक्ट ये करेंगे। बी पार्ट में इन्होंने पूछा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल is always in its
इंटीरियर। सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा इसके इंटीरियर में होता है, तो ये तो अंडरस्टूड बात है, सेंटर बाहर थोड़ा हो सकता है, सेंटर तो अंदर ही रहेगा, तो ये ट्रू। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपने एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गई और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट।